भजन संहिता अध्याय 104। भजन संहिता अध्याय 104। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। वह उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रखता है। वह आकाश को तंबू के समान ताने रखता है। वह अपनी अटारियों की कड़िया जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। वह पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। उसने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है मानो वस्त्र से। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराई के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सिवान ठहराया जिसको वह नहीं लांग सकता है और न फिरकर स्थल को ढांप सकता है। वह नालों में से सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। वह अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। वह पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्नादि उपजाता है और इस रीति भूमि से भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभला जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरियों के लिए है और चट्टाने शापानों के शरण स्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह आहार के लिए गरजते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्योदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्याथान भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है और वे चून लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और वे मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदाकाल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि से ही पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को न रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यह की स्तुति करो।